जय बजरंगबली। प्रिय मित्रों, आज पुनः आप लोगों का आपके भाग्य ज्योतिष चिंतन में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे गुरु स्पष्ट को लेकर। मित्रों, अभी तक हमने स्पष्ट किया है सूर्य स्पष्ट, मंगल स्पष्ट, चंद्र स्पष्ट। मित्रों, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, सारे ग्रह स्पष्ट करने का एक ही नियम है, कोई अलग नहीं है। केवल चंद्र ग्रह को छोड़कर और सारे ग्रह एक नियम से आप स्पष्ट कर सकते हैं। मित्रों, यहाँ पर आप कर रहे हैं गुरु स्पष्ट करने का, आपको नियम बता रहे हैं। ग्रह स्पष्ट करने के लिए पंक्ति बरादी और इष्ट बरादी में जोड़ने व घटाने से जो भी चालन आता है, उस चालन में ग्रह गति से अलग अलग गुणा करते हैं। जो गुणनफल आए उस आपस में जोड़कर फिर 60 का भाग देते हैं। जो भाग फल आए उसे दूसरी लब्धि में जोड़कर फिर से 60 का भाग देते हैं। इसी तरह 4 बार हम भाग देते हैं। भाग देने पर जो अंश कला विकला आती है, उस पंचांग में दिए हुए ग्रह स्पष्ट में अंश में अंश, कला में कला और विकला में विकला। ऋण चालक है तो घटाते हैं, अगर धन चालक है तो जोड़ देते हैं। अगर धन चालक है तो बकरी ग्रह में घटाते हैं, अगर ऋण चालक है तो हम उसे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। मित्रों, मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप कुंडली का निर्माण करते हैं या कुंडली बनाना सीख रहे हैं तो आपके लिए बहुत सरल तरीका है, बहुत अच्छा नियम है, आप सीख सकते हैं हमारे यहाँ से। आप क्या करें कि आप रफ और कॉपी पेन ले लें, उसमें से आप लिख लें, नियम लिखने के बाद आप उसको समझने का प्रयास करेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। क्योंकि मित्रों, आपको मैं पार्ट 1 से वीडियो बनाना प्रारंभ किया हूँ और हर वीडियो में मेरे पार्ट 1, 2, 3 जितने पार्ट तक बनेगा उतने पार्ट तक मैं बना रहा हूँ। यहाँ तक मैंने प्रयास करूँगा कि 16 वर्गीय कुंडली बनाने का प्रयास करूँगा। मित्रों, यहाँ पर अब हम लेते हैं चालन। चालन आपको मैंने पिछले वीडियो में बनाना ही बताया था, जो कि आप देख सकते हैं चालन में आया था हमारा 0, 53, 15। अब मित्रों, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, गुरु ग्रह की गति से गुणा करेंगे। क्या कहता है मेरा नियम, हमने पंचांग से लिया है गुरु की ग्रह की गति, तो 13 और 37 है, उसको भी हमने यहाँ पर लिख लिया है 13 और 37। फिर मित्रों, हमारा नियम क्या कहता है, हमें इसमें क्या करना है, गुणा करना है। तो मित्रों, हमने गुणा किया है और गुणा करने के बाद हमें प्राप्त हुआ है 0, में 0 का गुणा किया तो 0 आया है यहाँ पर मैंने। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। गुणा किस में करते हैं, 53 गुणे हमने 13 किया है तो हमें 689 प्राप्त हुआ है। इसी में हम करते हैं 37 गुणे 15 तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 555 प्राप्त होता है। तीसरा हमें है 13 गुणे 15 करना है तो 195 प्राप्त हुआ है। चौथे में हम गुणा करते हैं 53 गुणे 37 तो ये हमें प्राप्त होता है 1961। हमें 4 बार गुणा करना है 4 जगह पर। दूसरा फिर इसके बाद क्या कहता है, भाग देना है। किसका, 60 का भाग देना है। नियम के आधार पर हमने यहाँ पे नियम के आधार पर 60 का भाग दिया है तो दूसरा हमें यहाँ प्राप्त होता है पहले में 9, तो नियम के आधार पर 9 को हमने दूसरी संख्या में जोड़ा है। किस में, यहाँ पर हम जोड़ते हैं 2156 में, हमने यहाँ पर क्या किया है, जोड़ दिया है तो हमें प्राप्त हुआ है 2156 में। मैंने क्या जोड़ दिया है, 9 को जोड़ा है तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है 2165 में प्राप्त हुआ तो हमने 60 का भाग दिया तो दूसरे में हमें प्राप्त हुआ क्या, 37। इसी प्रकार मैंने जोड़ दिया है तो हमें लास्ट में 12 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मित्रों हम जोड़ते हैं तो हमारा क्या प्राप्त हुआ, 0 अंश 12 कला और 5 विकला प्राप्त हुई है। इसी तरह मित्रों, आप नियम के आधार पर कर सकते हैं और लगा सकते हैं। क्योंकि मित्रों, आपको मैं यदि एक एक शब्द बताने का प्रयास करूंगा तो मित्रों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको केवल यहां पर रफ और पेन लेकर यहां पर आप लिख लें और समझ सकते हैं कि कहां पर क्या है, क्योंकि मैंने यहां पर बताने का प्रयास किया हूँ लिख कर। और यहाँ पर मित्रों हम
अब आगे लेते हैं पंचांग में, देखते हैं पंचांग में हमने देखा है ग्रह स्पष्ट लिया है तो 10, 24, 23 और 58 हमें प्राप्त हुआ है। फिर हमें इसमें क्या करते हैं घटाना है, तो हमें यहाँ पर नियम के आधार पर घटाया तो 0 अंश है, 12 कला है और 5 विकला प्राप्त हुए, तो हमें यहाँ पर प्राप्त होता है 10 राशि, 24 अंश, 11 कला और 53 विकला प्राप्त हुआ है। यहाँ पर मैंने मित्रों गुरु को स्पष्ट किया है, गुरु ग्रह को। तो मित्रों गुरु ग्रह जो स्पष्ट हुआ है तो एक ही नियम के आधार पर स्पष्ट हो रहा है, वही समय हर उसमें ले रहा हूँ हर ग्रह स्पष्ट करने में, जो कि मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, जो कि जन्म समय है 5 अप्रैल 2010 को सोमवार का है, जो कि आपका समय है 10:15 पर, और ये जन्म स्थान लिया गया है शोभनाथ के, यहाँ पर आप पंचांग में देख सकते हैं और यहाँ पर ग्रह स्पष्ट कर सकते हैं। अब मित्रों आगे हम स्पष्ट करेंगे, शुक्र स्पष्ट करने का नियम बताएंगे और शुक्र ग्रह स्पष्ट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को वीडियो शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें मित्रों, ताकि आने वाली अगली वीडियो आपको प्राप्त हो सके और आपको अच्छी जानकारी मिल सके। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।